हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, इन तीन राशि वालों के लिए पैर में काला धागा बांधना है बहुत ही शुभ। इस दिन करेंगे धारण तो होगा फायदा, इन नियमों का करे कुछ पालन। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों कुछ लोग पैरों में काला धागा बांधते हैं। क्या आप जानते हैं कि काला धागा बांधने के नियम क्या होते हैं, और यदि नहीं तो ये धागा बांधने से पहले इन बातों को जरूर जान ले। तो चलिए जानते दोस्तों इनके बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि कुछ लड़कियां महिलाएं अपने पैरों में काले रंग का धागा बांधती रहती है। अब कुछ लड़के भी ये ब्लैक धागा पहनने को लगे हैं। पिछले एक दो सालों से ये काफी तेजी से चलन में आया है। हालांकि कुछ लोग इसे स्टाइल और फैशन समझकर पैरों में बांध लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काले रंग के धागे को पैरों में बांधने के कुछ धार्मिक और राशि के अनुसार महत्व है। इसे बांधने और उतारने के कुछ नियम होते हैं। चलिए जानते हैं काले धागे को बांधना किस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद है, और इन सब और कैसे पहचाने। चलिए जानते दोस्तों काले धागे को बांधना किस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद है, और इसे कब और कैसे पहने और उतारे। तो दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार काला रंग बुरी नजर से बचाता है। ऐसे में लोग खुद को बुरी नजर जादू टोना से बचाने के लिए काला धागा पैरों, कलाई, बाजू, कमर, गर्दन आदि में बांधते और पहनते हैं। दोस्तों, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। बच्चों को भी दोस्तों माँ को यह धागा जरूर बांधती है ताकि वो स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, जब आप काला धागा बांधे तो इसके साथ दूसरे रंग का धागा धारण करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि काला रंग शनि देव से जुड़ा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काले धागे को हर किसी को नहीं बांधना चाहिए। बिना नियमों का पालन किए गए इस धारण करने से जीवन में नेगेटिव एनर्जी से घिरे रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ राशियों के लिए काला रंग शुभ माना गया है। ऐसे में यदि आपको पैरों में काला धागा बांधना है तो कुंभ, तुला और मकर राशि वाले इसे बांध सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि इसका लाभ भी मिलेगा। यदि आपकी राशि वृश्चिक मेष है तो रंग आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। इन राशि पर मंगल भारी होता है। ऐसे में किसी भी जोखिम से बचने के लिए इसे काले धागे को पहनने से बचे। दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखें, यदि आप पैरों में काला धागा पहनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बांधना शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता का पसंदीदा रंग काला है। इसे पहनने के बाद आप रुद्र गायत्री मंत्र जपे, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। इससे धागा और शक्तिशाली हो जाएगा। महिला को बाएं हाथ पैरों में शनिवार के दिन ये धागा बांधना चाहिए। वही पुरुषों को दाएं हाथ और पैरों में काला धागा धारण करना शुभ होता है। यदि आपकी कुंडली में ढैया साढ़े साती है या राहु केतु की स्थिति कमजोर है तो काला धागा जरूर बांधे। जी हाँ दोस्तों, शादी में देरी हो रही हो, कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, तभी ये धागा बांधना शुभ है। आर्थिक परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी आने वाली समस्या हो सकती है। जीवन सफलता तरक्की पाने के लिए काला धागा अवश्य बांध सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से काला धागा बांधने से आपको अच्छा ही प्रतीत होगा और इसके फायदे भी आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।